दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। वैसे तो भारत सरकार ने एक महिला आरक्षण विधेयक लाकर एक मास्टर स्ट्रोक चलना चाहा, लेकिन क्या वास्तव में यह स्ट्रोक राजनीतिक रूप से सफल है या नहीं, यह समय बताएगा। लेकिन यह भी तय है कि जिस ढंग से यह विधेयक पारित हुआ है और जिस ढंग से आरक्षण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, उससे यह कहा जा सकता है कि सब कुछ राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। विपक्षी महिलाओं का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की जो फायर ब्रांड नेता हैं, विशेषकर महिला नेता, वे ही जब मुखर विरोध करने लगे तो परिस्थिति अजीबोगरीब हो जाती है। पूरे देश में जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले महीने ही होने हैं, वहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बात का, महिला नेत्रियों का विरोध, स्पष्ट विरोध, कहीं ना कहीं राजनीतिक गुल अवश्य खिलाएगा, ऐसा लगता है। मध्य प्रदेश में जहां पूर्व मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता और पिछड़े वर्ग की नेता कही जाने वाली साध्वी उमा भारती जहां मुखर विरोध कर रही हैं इस महिला आरक्षण विधेयक का, साथ ही अपनी पार्टी में उपेक्षा का, वहीं राजस्थान में सुश्री वसुंधरा राजे सिंधिया का विरोध किसी से छिपा नहीं है। अब यदि ये दो महिलाएं इसी तरह मुखर और प्रबल विरोध करती रहीं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक संकट से उबारने में अत्यधिक कठिनाई हो जाएगी। मध्य प्रदेश में उमा भारती ने जहां आशीर्वाद यात्रा में उनकी उपेक्षा का मुद्दा उठाते हुए महिला के विधेयक में जो आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा स्पष्ट और सार्वजनिक उजागर किया है, वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राओं से दूरी बनाकर रखी है। अब यदि दोनों प्रदेशों में इस तरह मुखर और प्रबल विरोध दिखता रहेगा, तो भला कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नैया पार होगी। मध्य प्रदेश में उमा भारती जी के कद को कोई नकार नहीं सकता, विशेषकर पिछड़ी जनजाति में उनके प्रभाव को नज़रअंदाज करना एक पैर में कुल्हाड़ी मारना ही है। वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का राजनीतिक कद और पकड़, वह भी किसी से छुपी नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कोई फार्मूला तय करे इन नेताओं को मनाने का, लेकिन इस समय तक सब कुछ सही नहीं है। और यह भी देखा गया है, इतिहास साक्षी है कि महिलाएं यदि अपने विरोध पर आतुर हो जाएं, तो फिर तुलसीदास जी ने भी कहा है, का न करे अबला प्रबल। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुद्दे पर कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।